दोस्तों आज हम लोग जिस फोन की अनबॉक्सिंग करेंगे वो है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी का S20 FE 5G, जो कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा इसकी डिमांड है। एंड इसलिए गाइज मैं आपके लिए ये अनबॉक्सिंग लाया हूँ। चलिए फटाफट बॉक्स करते हैं ओपन। एंड ये रखा है हमारा फोन अपने प्रोटेक्शन के साथ में, इसको रखते हैं साइड में। एंड हम एक चार्जर, जो कि आपको 25 वाट का चार्जर सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड टाइप सी केबल आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है इसी फोन को चार्ज करने के लिए। चलिए फटाफट कर लेते हैं फोन की बातें हम लोग। गाइज ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G अपने पहले लुक में। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इनहैंड फीलिंग मुझे बहुत ही ज्यादा इसकी अच्छी लगी है। एंड मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल डिजाइन देखने में लग रहा है। जो डिजाइन है, जो बैक डिजाइन है, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। काफी बैक आपको एक रिच प्रीमियम ऐसा फीलिंग देखने को मिलता है। साथ ही आपको एक प्लास्टिक का फ्रेम भी देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की देखने को मिलती है। एंड ये गाइस बता दो, ये IP68 के साथ आता है। वाटर रेजिस्टेंट फोन है। अगर पानी में 1 मीटर 1.5 मीटर के अंदर ये गिर गया तो 30 मिनट तक ये फोन सर्वाइवल कर सकता है। साथ इसकी जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है, मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इन हैंड फीलिंग जो मुझे अच्छी लगी वो इसकी डिजाइन है। एंड साथ ही साथ इसका जो कैमरा लेआउट को डिजाइन किया गया वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड बहुत ही आपको एक अच्छी सी ग्लो डिजाइन देखने को मिलती है। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा इसकी अच्छी खासी देखने में लगती है। चलिए फटाफट फोन कर लेते हैं बूट। दोस्तों फोन हो गया हमारा बूट एंड फोन देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। बेजल की बात की जो साइड बेजल है वो काफी ज्यादा आपको छोटे देखने को मिलते हैं। एंड काफी आपको शार्प डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड बड़ी बड़ी कंपनियों को सैमसंग खुद ही अपना डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। एंड खुद ही सैमसंग का ये डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छा है। काफी क्लियरिटी आपको डिस्प्ले देखने में लगती है। डिस्प्ले साइज की बात की आपको 6.55 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपको 120Hz का रिफ्रेश पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको एक 600 nit की प्लस ब्राइटनेस भी सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड इनहैंड फीलिंग डिस्प्ले जो आपको आउटडोर इंडोर जो एक्सपीरियंस होने वाला है ब्राइटनेस के थ्रू, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी जिसमें 120Hz का डिस्प्ले है, वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है, इस फोन को स्मूथ बना देता है। डिस्प्ले क्वालिटी से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। इसी कैमरे की बात की जो कैमरा लेआउट देखने काफी अच्छे से डिजाइन किया गया। एंड कैमरा पिक्सल की बात इसमें आपको एक लगा 12 MP 8 MP एंड एक 12 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। एंड फ्रंट में आपको एक 32 MP कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड कैमरे क्वालिटी की बात इसमें आपको 4K वीडियो सपोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, जो कैमरा है रियलिटी कैमरा, वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। एंड काफी आपको ब्राइट इमेज देखने को मिलती है। एंड जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छे से इसको कैप्चर कर रहा है। डे एंड नाइट में काफी अच्छा खासा इसमें आप कैमरा फोटो कैप्चर कर पाएंगे। एंड काफी अच्छे इसमें आपको मोड्स भी देखने को मिलते हैं, पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग 4K का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो इसी फोन को काफी ज्यादा अच्छा बना देता है। फ्रंट में आपको एक 32 MP का जो सेल्फी कैमरा, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा खासा है। एंड जो स्क्रीन टोन है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। फ्रंट में भी आपको एक 4K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरे पर्पज देखें तो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड काफी अच्छे इस पर कैमरे पर्पज पर भी काम किया गया है, क्योंकि इसमें आपको एक प्रीमियम फीलिंग ऐसी देखने को मिलती है। एंड एस सीरीज का कैमरा हमेशा से ही लाजवाब होता है। तो इसके परफॉर्मेंस की बात की इसमें लगा स्नैपड्रैगन 865 का प्लस 5G प्रोसेसर लगा है, जो कि आपको 7 nanometer आता है। एंड ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है। देखा जाए तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर काफी ज्यादा डिमांडेबल प्रोसेसर होता है। एंड गेमिंग के मामले में काफी ज्यादा ये पावरफुल प्रोसेसर है। गेमिंग में इसमें आपको 60 FPS PUBG पे देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको एक 90 FPS का भी इन फ्यूचर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। इन फ्यूचर आपको 11, 12 का डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लगाते ही इसमें आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। 8GB RAM 128GB इंटरनल, साथ ही साथ इसमें आपको 8GB RAM बूस्टर यानी 60GB RAM का ये फोन हो जाएगा। साथ ही UFS 2.1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। देखा जाए तो प्रोसेसर एंड बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, मुझे बहुत ज्यादा इसका प्रोसेसर भी अच्छा लगा। एंड काफी ग्रेटफुल प्रोसेसर पे भी काम किया गया है। नेटवर्क कनेक्टिविटी बात इसमें आपको डुअल सिम 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट एंड 5 सेकंड में दोनों ही 5G का उपयोग कर पाएंगे। 12 बैंड के साथ ये फोन आता है। एंड डेफिनेटली इंडिया में ये फोन 5G पे चलने वाला है। कोई भी आपको इसमें ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ 5.2 एंड Wi-Fi 2.5 दोनों ही सपोर्ट देखने को मिलते हैं। एंड अगर बैटरी केयर में देखा जाए तो आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी लगी, जो कि आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिलती है। मुझे बस यहाँ पे सैमसंग में थोड़ा सा दिक्कत ये कि इनका जो चार्जर क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा लोला टाइप का है। थोड़ा सा इनको चार्जर क्वालिटी अच्छी बढ़ा देनी चाहिए। एंड अगर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी की बात की जाए, जिसमें आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। एंड साथ ही इसमें आपको एक फेस लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे स्टेटस बार की देखा जाए तो UI नोटिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छा खासा UI देखने को मिलता है। एंड सैमसंग का UI मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। काफी स्टॉक जैसे आपको फीलिंग आता है, कोई भी एक्स्ट्रा लैग एंड एक्स्ट्रा बग्स आपको देखने को नहीं मिलते। होम UI भी बहुत ज्यादा इसका अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो देखेंगे तो ये IP68 के साथ आता है, यानी वाटरप्रूफ एंड डस्ट रेजिस्टेंस आता है। अगर आप 1.5 मीटर के पानी के अंदर ये फोन डाल देंगे तो 30 मिनट तक ये फोन आपको प्रॉपरली सर्वाइव करके दे देगा। मेरा रिकमेंड भाई आप चेक मत करिएगा, पता नहीं क्या हो जाए, बट ये जो कंपनी क्लेम करती है वो मैं बता रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से देखा तो फोन मुझे काफी ज्यादा अच्छा खासा देखने में लग रहा है। आईसेंस के हिसाब से देखा तो आपको ये 29,990 का फोन देखने को मिलता है, जो कि आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे देखने को मिल जाएंगे। एंड मेरे हिसाब से अगर प्राइसिंग के ऊपर बात की तो फोन बहुत ही ज्यादा किलर है। एक आपको 30 जगह एक वाटर प्रूफ का फोन का ऑप्शन, 30 जगह के अंदर एक आपको वाटर प्रूफ फोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस में बहुत ही ज्यादा किलर देखने को मिलता है। साथ इसमें कैमरा क्वालिटी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी खासी देखने को, 120Hz का रिफ्रेश पैनल भी मुझे बहुत
ज़्यादा इंप्रेसिव लगा मेरे हिसाब से। फ़ोन ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, इस फोन को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इस फोन में मुझे कहीं से भी कोई कमी नहीं लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो, तब तक के लिए बाय।